नमस्कार दोस्तों, मैं विश्वेंद्र आप सबका स्वागत करता हूँ। आज ज्योग्राफी का जो क्रैश कोर्स चल रहा है उसका ये फोर्थ लेक्चर है। आज हम इसमें ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट है उसको देखेंगे और ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट में जो मेनली ऑस्ट्रेलिया कंट्री है उसको देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। सबसे छोटा कंटिनेंट है और पूरा आइलैंड कंटिनेंट है। आइलैंड क्या होता है? आइलैंड होता है, जैसे मान लीजिए ये एक लैंड मास है और इसके चारों तरफ वाटर है, ठीक है, ये आइलैंड होता है और ये पूरे तरीके से साउदर्न हेमिस्फेयर में है, ठीक है। साउदर्न हेमिस्फेयर कौन सा होता है? ये इक्वेटर, ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नीचे वाला साउदर्न हेमिस्फेयर। तो ये पूरे तरीके से साउदर्न हेमिस्फेयर में लोकेट करता है। यहाँ एग्रीकल्चर होता है और भेड़ पालन होता है, पास्टल कंट्री है और ज्यादातर लोग शहरों में ही रहते हैं। इससे आप क्या समझेंगे कि जो एग्रीकल्चर हो रहा है, जो पास्टल हो रहा है, वो मेनली मशीन्स के जरिए, टेक्नोलॉजी के जरिए हो रहा है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इससे पास होता है। तो एक क्वेश्चन है आपके लिए, ऐसा कौन सा कंटिनेंट है जिससे इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होते हैं? और इसकी डिस्कवरी जो की थी कैप्टन जेम्स कुक थे इंग्लैंड के, उन्होंने की थी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल है। ये पॉपुलेशन कंसंट्रेटेड इन फ्यू एरियाज, ये हो चुका है। रेन थ्रस्टी लैंड है। ऑस्ट्रेलेशिया क्या है? ऑस्ट्रेलेशिया क्या है? जैसे एशिया और यूरोप को मिलकर हम यूरेशिया बोलते हैं, उसी तरह ऑस्ट्रेलेशिया किसे बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड और अदर आइलैंड। अदर आइलैंड कौन से हैं? जैसे पीएनजी, पपुआ न्यू गिनी, ये सब यहाँ आइलैंड और भी है। अब चलते हैं आगे। ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है, देखो। ये है गल्फ ऑफ कार्पेंट्रिया, जो इंपॉर्टेंट लोकेशन है। ये है ग्रेट बैरियर रीफ और ये है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है। ये आपका ब्रिस्बेन हो गया, ये आपका क्वींसलैंड हो गया, ये आपका न्यू साउथ वेल्स हो गया, ये तस्मानिया नीचे होबार्ट। अगर आपसे पूछे ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को कौन सी स्टेट करती है, तो ये बास स्टेट है, ठीक है। स्टेट क्या होता है? एक ऐसा वाटर बॉडी, एक ऐसा वाटर चैनल जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को जोड़ता है। ये तस्मान सी हो गया, ये आपका कोरल सी हो गया, ये आपकी टोरेस स्ट्रेट हो गई। ये कुछ ये डेजर्ट है, इसमें ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट हो गया और ये ऊपर किम्बरले प्लेटू हो गया, ठीक है। उसके बाद ये ग्रेट सैंडी डेजर्ट हो गया, ये बार्कले टेबरलैंड हो गया, ये सिम्पसन डेजर्ट हो गया और यहाँ आपका पर्थ पड़ता है और ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट हो गई। इसके अलावा ये एडिलेड हो गया, ये आयर पेनिनसुला हो गया और ये इधर आप जाएंगे आपको ये डार्लिंग रिवर बेसिन यहाँ मिलेगी, ठीक है। मेनली ये जो ईस्टर्न पार्ट है, क्वींसलैंड हुआ, न्यू साउथ वेल्स हुआ, विक्टोरिया हुआ, यहाँ ज्यादातर लोग रहते हैं ऑस्ट्रेलिया के। ज्यादातर टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इधर ही हैं, ठीक है। ये जो है पर्थ साइड का एरिया, ये बहुत हॉट है, डेजर्ट टाइप एरिया है, ठीक है। इसके अलावा ये जो बीच में है, ये बीच वाला जहां आप कर्सर देख रहे होंगे, ये वाला एरिया, ये कुछ लो लैंड्स हैं, ठीक है। यहाँ आर्टिशियन वेल पाए जाते हैं। आर्टिशियन वेल क्या होता है कि ग्राउंड वाटर का लेवल खुद ही ऊपर आने लगता है और पानी आने लगता है, ठीक है। वो आर्टिशियन बेसिन होती है, वो यहाँ पाई जाती है। तो ये मोटा मोटा हमने ऑस्ट्रेलिया की इंपॉर्टेंट लोकेशंस को कर लिया। अब चलते हैं आगे न्यूजीलैंड पर। ये देखिए न्यूजीलैंड है। आपको एक चीज याद रखनी है, अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि साउदर्न आल्प्स कहाँ पड़ते हैं, आल्प्स कहाँ है? आल्प्स हैं यूरोप में। आज राइटिंग अच्छी आ रही है, आल्प्स हैं यूरोप में, ठीक है। तो कई बार क्या होगा, साउदर्न आल्प्स पूछेगा और बच्चे जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा या जल्दबाजी में यूरोप को मार्क करेंगे और आंसर होगा गलत। तो साउदर्न आल्प्स कहाँ पड़ते हैं? न्यूजीलैंड में पड़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में तस्मान सी पड़ता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं आगे। ऑस्ट्रेलिया की फिजिकल डिवीजन क्या है? वेस्टर्न प्लेटू, सेंट्रल लोलैंड्स और ईस्टर्न हाईलैंड्स। हाईलैंड्स क्या? थोड़ा सा हाई एल्टीट्यूड वाला एरिया। अब करते हैं एक एक को इनको स्टडी। वेस्टर्न प्लेटू क्या है? आइदर डेजर्ट है या सेमी डेजर्ट एरिया है और ये ओल्ड रॉक, पुरानी रॉक का बना हुआ है, जैसे हमारा इंडिया का डेक्कन प्लेटू बना हुआ है, ठीक है।
जब हम इंडियन ज्योग्राफी को स्टडी करेंगे तो मैं आपको एज वाइज इंडिया में कौन सी लैंडफॉर्म और रॉक फॉर्मेशन हुई वो बिल्कुल एक एक बात को डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब प्लेट्यू है तो ऑब्वियस है कि मिनरल रिसोर्स बहुत ज्यादा मिलते होंगे। क्या क्या मिलता है? गोल्ड मिलता है और आयरन ओर मिलता है। अब चलते हैं आगे। ईस्टर्न हाईलैंड्स, ईस्टर्न हाईलैंड्स का एरिया कौन सा हो गया जो मैंने आपको बताया था? क्वींसलैंड हो गया, न्यू साउथ वेल्स हो गया और ये विक्टोरिया हो गया, ये वाला एरिया जो ऑस्ट्रेलिया का है। ब्रॉड है और नॉर्थ में मतलब ऊपर की तरफ चौड़े हैं बट लो है, मतलब हाइट में कम है। साउथ में जब बोलेंगे तो नैरो है बट हाई है, ये समझना है इंपॉर्टेंट डिफरेंस। अब जो ये पैसिफिक सी है, इधर ईस्ट में पैसिफिक सी, इस तरफ स्टीप, एकदम तेजी से मतलब स्टीप स्लोप है पैसिफिक ओशियन की तरफ। और जो ये सेंट्रल लोलैंड्स है, इस तरफ एक जेंटल स्लोप है इनका, ईस्टर्न हाईलैंड्स का। इनकी हाईएस्ट पीक ये आपको याद रखनी है ऑस्ट्रेलिया की, माउंट कोसिक किसको है? माउंट कोसिक किसको? न्यू साउथ वेल्स में ये पड़ती है। न्यू साउथ वेल्स मैंने आपको दिखा दिया, जैसे ये ऑस्ट्रेलिया है, न्यू साउथ वेल्स ये इधर वाला एरिया, ठीक है। अब चलते हैं आगे। रेनफॉल, हैवी रेनफॉल कहाँ कहाँ होता है? नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया को कैसे समझेंगे? नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, तो ये वाला एरिया हो गया नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। क्यों होती है? साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड आती है और इधर ओशियन है, उधर उधर से ओशियन से वो मॉइस्ट विंड आती है, इसलिए वहां बारिश होती है, ठीक है। ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा बारिश होती है और साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में बारिश होती है। क्यों होती है साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में? इधर ये आपके लिए क्वेश्चन है, क्यों साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में बारिश होती है? नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में मानसून विंड से भी समर में बारिश है। मानसून विंड क्या होती है? मानसून विंड होती है, मैं थोड़ा ब्रीफ में यहाँ बताता हूँ, सीजनल विंड होती है। सीजनल विंड कौन सी होती है? ऐसी विंड्स, ऐसी टाइप्स ऑफ विंड जो सीजन के अकॉर्डिंग अपनी डायरेक्शन को चेंज करती हैं, उन्हें हम मानसून विंड कहते हैं। होता क्या है, ये इक्वेटर एज यूजल, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। हम इस कंसेप्ट को बोलते हैं अपेरेंट मूवमेंट ऑफ सन। अपेरेंट मूवमेंट ऑफ सन के साथ ये विंड की डायरेक्शन चेंज होती रहती है और कुछ लोकल फैक्टर भी होते हैं और कुछ एक्सेप्शनल फिनोमिना भी होते हैं, उसकी वजह से विंड की डायरेक्शन चेंज होती रहती है। अपेरेंट मूवमेंट ऑफ सन में क्लाइमेटोलॉजी में हम इस बात को डिटेल में समझे। जब मैं अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन करता था, मुझे भी काफी मंथ्स तक ये चीजें समझ नहीं आई थी और मैं इतना परेशान रहता था, तो वो दर्द मैं जानता हूं। ना समझ पाने का दर्द जो होता है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी पीड़ा होती है। तो जब हम क्लाइमेटोलॉजी करेंगे, मैं आपको एक एक चीज को बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा, बेसिक में, ताकि आप सबको भी उस पेन से ना गुजरना पड़े कि ये समझ नहीं आ रहा और फिर फ्रस्ट्रेशन में बुक्स फेंक देते हैं। ऐसा मेरे साथ हुआ था, तो मैं नहीं चाहता आप किसी और के साथ हो। अब चलते हैं आगे। क्लाइमेट हो, डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट है इंटीरियर रीजन में। मेडिटेरियन क्लाइमेट साउथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। क्यों मिलेगा? अब मेडिटेरियन को क्लाइमेट का आपको बिल्कुल करेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल ध्यान होगी, वेस्टर्लीज के इफेक्ट में होगा, ठीक है। और विंटर में रेनफॉल होगी, विंटर में रेनफॉल होगी और हाई प्रेशर बेल्ट में ये सिचुएटेड हो, हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है। मेडिटेरियन क्लाइमेट इससे पहले हम कहाँ पढ़ चुके हैं? साउथ अफ्रीका में पढ़ चुके हैं, चिली में पढ़ चुके हैं। अब चलते हैं आगे। ग्रासलैंड कहाँ मिलेंगे? ट्रॉपिकल सवाना मिलेंगे नॉर्थ में और टेम्परेट ग्रासलैंड मिलेंगे साउथ में। कहाँ साउथ में? जो डार्लिंग मरे, डार्लिंग रिवर बेसिन है, वहां डाउन्स, डाउन्स आपको याद रखना है। इससे पहले मैं आपको पंपास करवा चुका हूं और वेल्ड्स करवा चुका हूं, ठीक है। और मैंने इसके अलावा आपको पुस्तास बताया था, स्टेपीज बताया था, मैंचूरियन बताया था, ये सब आपको याद रखने हैं, प्रेरीज बताया था, ठीक है। डाउन्स में क्या होती है? पास्टल फार्मिंग होती है और शिप रियरिंग होती है। शिप रियरिंग यहाँ कौन सी? मेरिनो शिप। आपने सुना भी होगा कि सबसे हाई क्वालिटी वुल ऑस्ट्रेलिया की होती है और वो किससे आती है? मेरिनो शिप से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना, डाउन्स का और मेरिनो शिप का। जो शिप के ऊपर जो मजदूर होते हैं, जो काम करते हैं, उनको यहाँ क्या कहते हैं? जैक्रूज कहा जाता है, ठीक है। जैक्रूज अपने साथ एक वाइल्ड डॉग रखते हैं, उसका नाम होता है डिंगो,
ठीक है, अब चलते हैं आगे। एग्रीकल्चर, ऑस्ट्रेलिया की वीट जो है सबसे इम्पोर्टेंट क्रॉप है। ठीक है, इंडिया में भी कौन सी दो मेनली क्रॉप होती हैं? वीट और राइस। राइस जो है बेसिकली ट्रॉपिकल रीजन की क्रॉप है, और वीट जो है टेम्परेट रीजन की क्रॉप है। वीट कहाँ सबसे ज्यादा हो रहा है? आप स्टेपीज के रीजन में जाएंगे, स्पेशली यूक्रेन के एरिया में, वहां ज्यादा हो रहा है। यूएसए में ज्यादा होता है, ठीक है, अर्जेंटीना में वीट ज्यादा होता है। तो अब ये एग्रीकल्चर में, और यहाँ क्या होता है, कैटल रेयरिंग होती है, जो क्वींसलैंड के ग्रासलैंड है, जो नॉर्दर्न में पड़ता है वहां होते हैं। डेयरी फार्मिंग कहाँ होती है? ईस्ट में और साउथ ईस्टर्न रीजन में। बेसिकली आपको यही याद रखना है, ये ऑस्ट्रेलिया है तो इस हिस्से में लगभग जो हो रही है मेजोरिटी ऑफ एक्टिविटीज यही हो रही है। अब चलते हैं आगे। फॉरेस्ट कहाँ मिलेंगे जहाँ हैवी रेनफॉल होगा, और रेनफॉल हैवी कहाँ होगा? कोस्ट के पास हो रहा है। सबसे मोस्ट कॉमन ट्री है यूकेलिप्टस, ठीक है, ये एवरग्रीन ट्री है, इसे गम ट्री भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा मेनली कौन सा ट्री पाया जाता है? यूकेलिप्टस, या वेटल ट्री भी पाया जाता है। मैं इनकी पिक्चर्स डाल दूंगा ताकि आपको याद रहे और आसानी से समझ भी आ जाए। अब चलते हैं आगे। एनिमल कौन से पाए जाते हैं, बर्ड्स कौन से ऑस्ट्रेलिया पाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मार्सुपियाल्स एनिमल्स पाए जाते हैं। मार्सुपियाल्स एनिमल्स क्या होते हैं? जिनके आगे आपने डिस्कवरी चैनल पे या नेशनल ज्योग्राफी में देखा होगा, एक थैली सी लटकती रहती है, ठीक है, पाउच लाइक फोल्ड ऑफ स्किन नियर स्टमक, ठीक है। इनमें कौन सा है मेन? तो कंगारू होता है। बर्ड्स यहाँ इमू पाया जाता है। साथ साथ में आपको रिविजन करना है, ओस्ट्रिच कहाँ पाया जाता है और रेहा बर्ड कहाँ पाया जाता है, ये हम कर चुके हैं, ठीक है। ये लायर बर्ड होता है, ये आप सर्च करके देखिएगा, ये बड़ा अमेजिंग बर्ड होता है। ये क्या है? प्लेटिप्स क्या होता है? एक ये चार पैरों वाला एनिमल है पर अंडे देता है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। जो एक्सेप्शनल केस होते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब चलते हैं आगे। इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री मैंने आपको बताया था विक्टोरिया और नॉर्थ साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स में ज्यादातर है। बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे सिडनी से पर्थ, मतलब ये पूरा कवर करती है। एयर एम्बुलेंस यहाँ वेल डेवलप है। अब चलते हैं आगे। मैपिंग गल्फ ऑफ कार्पेंट्रिया मैंने दिखा दिया था, ऊपर की तरफ था, लेक आयर नीचे की तरफ था। इंटरनल ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा ड्रेनेज सिस्टम जो कहीं किसी सी में नहीं जाता, ठीक है। डार्लिंग एंड मरे रिवर ये मैंने आपको दिखा दी थी। ग्रेट आर्टेशियन वेल बेसिन इसके बारे में बता दिया था। केप योर पेंसुला नहीं बताया था। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये इधर वाले में। बैरियर रीफ ये क्वींसलैंड के इधर में, ठीक है। अब चलते हैं आगे, और मेरी रिक्वेस्ट है आप एटलस ले लीजिए घर पे, ताकि आप ये सब इंपॉर्टेंट लोकेशन खुद से ट्राई कर सकें, ताकि आपको याद भी रहे और बार बार रिवाइज कीजिए। कोरल क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरल होते हैं छोटे छोटे सी एनिमल होते हैं, और ये जो कहाँ रहते हैं, जो रॉकी सी फ्लोर होता है उसके नजदीक रहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कोरल। कोरल आपको बेसिकली ट्रॉपिकल रीजन के जो वार्म है और क्लियर है और शेलो वाटर है यहाँ मिलेंगे। ये एक एक वर्ड आपको ध्यान रखना है, वार्म क्लियर शेलो वाटर ऑफ ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। कोरल जब मर जाता है तो इनका जो स्केल्टन है, स्केल्टन किसका बना होता है? कैल्शियम का, ठीक है। तो ये जो इनका स्केल्टन है यहाँ फिक्स रहता है, एक के बाद मर गई ये फिक्स, ये फिक्स, ये फिक्स, ऐसे एक ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर सा बना रहते हैं लगातार, ठीक है, ऐसे बनता चला जाता है। और इनके ऊपर नए कोरल आके पैदा होते रहते हैं और जमते रहते हैं ऐसे, ठीक है। इसी को हम कोरल रीफ बोलते हैं। कोरल रीफ बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, और जितना एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उससे हमारे कोरल को बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। और कोरल का एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है, ये आपको बताना है, चलिए मैं नहीं बताऊंगा, जिसकी वजह से कोरल में बहुत ज्यादा सुनहरे सुनहरे आपको कलर्स दिखाई पड़ते हैं। और आपने डिस्कवरी और नेट ज्योग्राफिक पे देखा भी होगा, ये जो स्कूबा डाइविंग करते हैं वो सब इनको देखने जाते हैं नीचे। हम डोंट वरी, हम हर चीज करेंगे। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, कोरल का किसके साथ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है, और जब कोरल का कलर फेड होने लगता है वो किसको सिंबलाइज करते हैं, ये सब हम एक एक चीज करेंगे। पर समय के साथ धीरे धीरे हर चीज आपके सामने आएगी। आप पीछे वाला रिवाइज करते चलिए और इन लेक्चर्स पर ध्यान देते चलिए। अब चलते हैं आगे। आता है अंटार्कटिका कंटिनेंट, ठीक है, सबसे बड़ा कंटिनेंट एशिया, अभी रिवाइज कर लेते हैं। अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर आपका अंटार्कटिका,
फिर आपका यूरोप और लास्ट आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये आपको सीरीज याद रखनी है। हम अफ्रीका कर चुके हैं, साउथ अमेरिका कर चुके हैं, अंटार्कटिका आज कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया आज कर रहे हैं। अब इसके बाद सिर्फ नॉर्थ अमेरिका बचता है, जिसमें यूएसए और कनाडा आते हैं, और यूरोप पूरा कंटिनेंट कह लीजिए या पूरा ही कंट्री कह लीजिए, इतना इंटीग्रेटेड रीजन है। इनको भी हम आगे आने वाले लेक्चर में स्टडी करेंगे। अब चलते हैं अंटार्कटिका। अंटार्कटिका फिफ्थ लार्जेस्ट कंटिनेंट है, कंटिनेंट फॉर साइंस है, मतलब यहाँ कोई भी आपको रेगुलर ह्यूमन सेटलमेंट्स नहीं दिखाई देंगे, बेसिकली साइंटिस्ट और रिसर्चर्स दिखाई देंगे या कुछ एडवेंचर्स दिखाई देंगे। ठीक है, व्हाइट कंटिनेंट है, क्यों? परमानेंट आइस रहती है, साउथ पोल होता है। या लाइचेंस एंड मोजेस, ये छोटी मोटी घास या काई बोल सकते हैं, या बहुत तेज हवाएं चलती हैं। थोड़ा सा कोल, आयरन और कॉपर यहाँ मिलता है। आइसबर्ग आपको मिलेंगे। आइसबर्ग क्या होता है? आइसबर्ग एक ऐसा आइस का टुकड़ा, बहुत बड़ा लैंड आइस का टुकड़ा सी में तैर रहा होता है, उसे हम आइसबर्ग। सबसे खासियत क्या है? यहाँ पेंगुइन्स मिलते हैं और व्हेल्स मिलते हैं। ठीक है, इसका मैपिंग आपको मैं करवा दूंगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ इंपॉर्टेंट लोकेशन, एक तो दक्षिण गंगोत्री, ये क्या है? इंडिया का रिसर्च सेंटर, ये आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ट्रिपल मार्क किया है। यहाँ क्वीन मॉड रेंज है, एक माउंट एरेबस है, यहाँ एक्टिव वोल्केनो है। अब रिवाइज कर लेते हैं, माउंट कोटापेक्सी कहाँ है? ठीक है, किली मंजारो कहाँ है? ये आपको रिवाइज करते रहना है, जो पिछले लेक्चर में। साउदर्न ओशियन, ठीक है, साउदर्न ओशियन क्या होता है? अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन को मिला के अंटार्कटिका के करीब जो पड़ता है, उसे हम साउदर्न ओशियन बोलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। हम जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे।